हेलो एंड वेलकम। मैं जयसूरज साहू। आज हम लोग पिछले क्लास में जो हमने केस पढ़ा था उसका आज हम क्वेश्चन आंसर बना करके देखेंगे। तो शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, मेंशन द केस ऑफ इटैलिसाइज नाउन। जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं उसमें नाउन है वो इटैलिसाइज्ड है। उन इटैलिसाइज्ड, इटैलिसाइज्ड मतलब थोड़ा तिरछा, इस प्रकार से तिरछा लिखा हुआ है, उनका हमें नाउन बताना है, उनका केस बताना है हमें। ये देखिए, ये तिरछा लिखा हुआ है, इनका हमें केस बताना है। तो हम शुरू करते हैं, पहला क्वेश्चन लेंगे। पहला है, द बफेलो इज अ यूजफुल एनिमल। यहाँ पे बफेलो इटैलिसाइज्ड है, नाउन है, इसका हमें केस बताना है। तो द बफेलो बोल रहे हैं तो ये हो जाएगा नॉमिनेटिव केस। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन लेंगे। सेकंड क्वेश्चन में है, इट इज अरुण्स पेन। अरुण्स कहने का मतलब है ये अरुण का पेन है, अरुण का, अरुण से संबंध रखता है वो पेन। तो ये हो जाएगा पोसेसिव केस। अब यस्टरडे, तीसरा क्वेश्चन, यस्टरडे आई मेट योर ब्रदर द टीचर। अब द टीचर का केस बताना है। यस्टरडे आई मेट योर ब्रदर, यस्टरडे मतलब बीते हुए कल में, आई मेट मैं मिला योर ब्रदर तुम्हारे भाई से, मैं कल मिला जो टीचर है, द टीचर तुम्हारे भाई टीचर से मैंने कल मिला, बोलने का मतलब ये है। तो यहाँ पे देखिएगा, ये भी नाउन है ब्रदर और टीचर भी नाउन है, और एक के साथ एक रखे हुए हैं, नियर बाई प्लेस्ड हैं, ब्रदर और टीचर दोनों नाउन हैं। तो ये हो जाएगा नाउन इन अपोजिशन। फिर आ जाएगा चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन, ही इज सीतास फादर। सीतास में देखिएगा, वो सीता का, सीता के पिता है। सेंटेंस का मतलब ये हुआ, वे सीता के पिता है। तो सीतास फादर में ये भी हो जाएगा पॉसेसिव केस। अब पांचवा, सोहन इज ऑनेस्ट। यहाँ पे सोहन इज बोलने से पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं होता, इनकम्प्लीट है, पूरा अर्थ मतलब पता नहीं चलता। तो यहाँ पे ऑनेस्ट इज को कंप्लीमेंट करने के लिए आया है, तो ये हो जाएगा कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब। अब छठवा क्वेश्चन, छठवा में देखेंगे, श्याम आवर वाइस कैप्टन, श्याम आवर वाइस कैप्टन मेड 100 रन। तो यहाँ पे श्याम और वाइस कैप्टन दोनों नाउन है, एक के साथ एक रखे हुए हैं। तो श्याम आवर वाइस कैप्टन मेड 100 रन्स, तो ये हो जाएगा वाइस कैप्टन हो जाएगा अपना नाउन इन ए पोजिशन। अब सातवां क्वेश्चन, सातवां क्वेश्चन है, कम हियर राकेश। यहाँ पे राकेश को देखिएगा, राकेश एक संबोधन के रूप में उपयोग हो रहा है यहाँ पे, कम हियर राकेश, इधर आओ राकेश, किसी को बुला रहे हैं उनके नाम से, तो यहाँ पे संबोधन के रूप में हो रहा है। तो ये हो जाएगा नॉमिनेटिव ऑफ एड्रेस। फिर आठवां है, दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया। दोनों नाउन है, एक के साथ एक रखे हुए हैं, तो यह हो जाएगा नाउन इन एपोजिशन। दिल्ली द कैपिटल ऑफ इंडिया इज माई होम टाउन। फिर नवा क्वेश्चन, नवा क्वेश्चन है, ही बिकेम अ टीचर। अ टीचर इटैलिसाइज्ड है, इसका हमें केस बताना है। तो ही बिकेम अ टीचर, तो ही बिकेम अ, इतने में पूरा सेंटेंस कंप्लीट नहीं हुआ है, ये टीचर इनको कंप्लीमेंट करने आया है, इसलिए कंप्लीमेंट ऑफ वर्ब। अब दसवा, दसवा है, सी अपॉइंटेड राम हर सेक्रेटरी। सेक्रेटरी और राम, राम और हर सेक्रेटरी, यहाँ पे
कॉम्प्लीमेंट के रूप में है, राम के बारे में बोला जा रहा है। राम उनका सेक्रेटरी है, जो कि जिसको उन्होंने अपॉइंट किया, सी अपॉइंटेड राम हर सेक्रेटरी। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। ये ऑब्जेक्ट है राम, उनका कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट ऑफ वर्ब में हमने देखा था सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, तो यहाँ पे हो जाएगा ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब हम आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, री राइट द फॉलोइंग यूजिंग पोसेसिव केस। पोसेसिव केस का देखे थे एपोस्ट्रॉफी और एस लिख करके पोसेसिव बनाया जाता है। अभी ये जो सेंटेंस दिए गए हैं सभी, उनको हमें पोसेसिव केस का यूज करते हुए फिर से लिखना है। पोसेसिव केस में ये भी लिखा जाता है, ये होता है सजीव के लिए, और ऑफ लिखा जाता है निर्जीवों के लिए। और केस और भी बहुत सारे एक्सेप्शन केस वगैरह होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको हमने पिछले क्लास में देखा था। उन सबको उपयोग करते हुए इनको फिर से लिखेंगे। तो पहले लिखेंगे, पहला क्वेश्चन, द बॉडी गार्ड ऑफ द गवर्नर। यहाँ पे बॉडी गार्ड है गवर्नर का, तो इसको इस प्रकार से सेंटेंस का मतलब हो रहा है, गवर्नर का बॉडी गार्ड, द बॉडी गार्ड ऑफ द गवर्नर। तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, द गवर्नर्स बॉडी गार्ड। ये भी सही रहेगा और ये ज़्यादा सही रहेगा, द गवर्नर्स बॉडी गार्ड। अब नेक्स्ट है द टेबल्स लेग। टेबल्स लेग, टेबल एक निर्जीव चीज़ है, निर्जीव के लिए हम ऑफ यूज करते हैं, देखा था। तो द टेबल्स लेग को द लेग ऑफ टेबल इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब तीसरा है शैडो ऑफ डेथ। डेथ भी निर्जीव है, इसलिए शैडो ऑफ डेथ लिखा गया है। पर हमने देखा था जो डेथ को, यहाँ पे डेथ का परछाई तो नहीं होता, तो यहाँ पे इसको मानवीकृत किया गया है। तो मानवीकृत के लिए हमने देखा था कि एपोस्ट्रॉफी और एस लिख देते हैं, तो यहाँ पे शैडो ऑफ डेथ को डेथ शैडो लिख सकते हैं। अब चौथा है हीरोज ऑफ इंडिया। अब हीरोज ऑफ इंडिया में हम देखेंगे, हीरोज ऑफ इंडिया में, इंडिया में भी हम एपोस्ट्रॉफी, देशों के नाम में भी एपोस्ट्रॉफी और एस करके यूज करते हैं, पॉसेसिव बनाते हैं। तो यहाँ पे हीरोज ऑफ इंडिया को भी हम इंडियास इंडियास हीरोस इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब पांचों क्वेश्चन में देखते हैं, पांचों है हाउस ऑफ फादर इन लॉ। फादर इन लॉ का हाउस, तो फादर इन लॉ तो सजीव हैं। फादर इन लॉ को हम देखे थे कैसे लिखते हैं, फादर इन लॉ। अब इसके बाद हम एपोस्ट्रॉफी एस लगा देते हैं, फादर इन लॉस हाउस, इस प्रकार से पॉसेसिव बनाया जाता है। अब सात छठवा देखते हैं, छठवा एट हिस इन ऑफ वीट। अब इन ऑफ वीट लिखा गया है, इन ऑफ वीट, तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, एट हिस वीट्स, एपोस्ट्रॉफी ए करके वीट्स
इंड। अब सातवां क्वेश्चन, सातवां में है ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट। ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट, तो ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट हमने देखा था डिग्निफाइड चीज़ों के लिए भी यूज किया जाता है अपोस्ट्रॉफी, अपोस्ट्रॉफी के साथ एस बहुत सारे चीज़ों में। तो यहाँ पर भी हम देखेंगे कि ऑर्डर्स ऑफ द कोर्ट को हम कोर्ट्स ऑर्डर्स इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब सातवां, आठवां, आठवां में सेक ऑफ जस्टिस, जस्टिस को भी हम सेक ऑफ जस्टिस को भी हम जस्टिस एपोस्ट्रॉफी एस फिर उसके बाद सेक, जस्टिस सेक इस प्रकार से लिख सकते हैं। अब नौवा को हम फिर से लिखेंगे द बुक्स पेज, बुक्स पेज को हम बुक्स पेज को द पेज ऑफ दी बुक, बुक तो निर्जीव है ना, तो ऑफ दी का यूज करके हम फिर से पॉसेसिव करके लिखेंगे द बुक्स पेज को द पेज ऑफ दी बुक। अब आगे दसवा द हाउसेस वॉल इस प्रकार से है, तो ये भी हो जाएगा द वॉल ऑफ दी हाउस इस प्रकार से हम पोसेसिव बनाते हैं। इसको हमने फिर से सही करके हमने रीराइट फिर से लिखा है, इतना हम दसों सेंटेंस को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है रीड राइट द फॉलोइंग यूजिंग पॉसेसिव केस, पॉसेसिव केस का यूज करके फिर से इनको लिखना है, तो आप लोग पॉज कर लीजिए देख लीजिए। पिछले क्वेश्चन को हमने जिस प्रकार से किया था इनको हमने इन सभी को अभी बना करके देखा है, उसी प्रकार इन दसों को भी बना करके देखिए बन जाएगा। कैसे बनाना है, पहला देख लीजिए कोट्स बटन है, कोट का बटन निर्जीव है, तो द बटन्स ऑफ द कोट हो जाएगा, हॉस्टल ऑफ वर्किंग गर्ल्स, ये सभी बन जाएगा। बना के देख लेते हैं, पहले आप लोग बना लीजिए एक बार, वीडियो को रोक करके बना लीजिए, फिर आंसर को देखिएगा। पहला द कोट्स बटन को हम कर लेंगे द बटन्स, द बटन, द बटन ऑफ दी कोट ये हो जाएगा। अब दूसरा देखते हैं हॉस्टल ऑफ वर्किंग गर्ल्स, तो यहाँ पे वर्किंग जो काम करते हैं वैसे लड़कियों का हॉस्टल, तो हॉस्टल ऑफ वर्किंग गर्ल्स, तो हमने ये है प्लूरल में, तो इसको प्लूरल में हम पोसेसिव कैसे बनाते हैं पिछले क्लास में देखा था, पिछले क्लास को भी देख लीजिएगा अच्छे से। तो हॉस्टल ऑफ वर्किंग गर्ल्स हो जाएगा वर्किंग गर्ल्स, गर्ल्स ऐसे लिखेंगे और उसके बाद एक एपोस्ट्रॉफी डाल देंगे, इस प्रकार से पॉसेसिव बनाया जाता है प्लूरल का हमने देखा था। तो वर्किंग गर्ल्स हॉस्टल इस प्रकार के, इस प्रकार से हम पॉसेसिव बनाएंगे। अब तीसरा, तीसरा है आई ऑफ पासर बाई, जो जा रहे पास कर रहे हैं उनका आई आंख, तो इसको किस प्रकार से लिख लेंगे पासर बाई, पासर बाइस आई। अब है चौथा लाइफ ऑफ जीसस, तो
जीसस भी इंसान है, भगवान, जीसस लाइफ, इस प्रकार से एपोस्ट्रॉफी एस करके हम बना सकते हैं इसका पोसेसिव, फिर से लिख सकते हैं। अब रिलीफ फंड ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, रिलीफ फंड को ऑफ प्राइम मिनिस्टर, तो इसको भी हम प्राइम मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, प्राइम मिनिस्टर्स, इस प्रकार से एपोस्ट्रॉफी एस डाल करके प्राइम मिनिस्टर्स रिलीफ फंड ऐसे लिख सकते हैं। अब छठवां भी माय ब्रदर्स सेक्रेटरीज, ब्रदर्स एंड सेक्रेटरीज, तो दो एपोस्ट्रॉफी के साथ दो ऐसे, दो दोनों में एपोस्ट्रॉफी लगा है, अब देख सकते हैं ब्रदर्स में भी और सेक्रेटरीज में, तो ऐसा नहीं लिखा जाता, माय ब्रदर्स एंड माय ब्रदर्स सेक्रेटरीज फादर, ऐसे दो दो एपोस्ट्रॉफी नहीं लगाया जाता, तो इसको कैसे लिखेंगे, माय ब्रदर्स सेक्रेटरीज फादर है, इसको लिखते हैं फादर ऑफ माय ब्रदर्स सेक्रेटरी। अब सेक्रेटरीज, सेक्रेटरीज फादर है, उसको हम फादर ऑफ माय ब्रदर्स सेक्रेटरी करती है, इस प्रकार से पॉसेसिव बनाती है। अब ट्राउजर्स ऑफ द बॉय, ट्राउजर्स ऑफ द बॉय, तो यहाँ पे द बॉयज ट्राउजर्स, इस प्रकार से बना लेंगे। अब इसी प्रकार से ये भी आठवां, लीव ऑफ अ मंथ, डिले ऑफ अ मोमेंट, अ मोमेंट्स डिले, आई ऑफ अ बर्ड, बर्ड अ बर्ड्स आई, और ये भी अ मंथ्स लीव, इस प्रकार से पॉसेसिव बनेगा, इसको आप लोग और अच्छे से बना करके देख लीजिएगा। अब हम आगे क्वेश्चन में चलते हैं, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, तो एक सेंटेंस दिए गए हैं पांच सेंटेंस, इनको हम लोग को करेक्ट करके लिखने हैं। तो वी शुड नॉट अवॉइड, पहला क्वेश्चन है वी शुड नॉट अवॉइड नेचर्स लॉ, हमें नेचर प्रकृति के लॉ को अवॉइड नहीं करना चाहिए, तो यहाँ पे नेचर्स लॉ है, वी शुड नॉट अवॉइड नेचर्स लॉ, प्रकृतियों का नेचर्स, यहाँ पे किस लिए एस के बाद अपोस्ट्रोफी किस में डालते हैं हमने देखा था, तो किसी प्लूरल में है ना, तो यहाँ पे प्लूरल तो नहीं है नेचर्स, तो अपोस्ट्रोफी को इसके ये नेचर्स एस के बाद जो अपोस्ट्रोफी लिखा है ये अपोस्ट्रोफी एस के पहले हो जाएगा, क्योंकि एस के बाद अपोस्ट्रोफी प्लूरल में यूज करते हैं, प्रकृति तो एक है सिंगुलर है, तो ये हो जाएगा नेचर एपोस्ट्रॉफी फिर एस नेचर्स लॉ, तो वी शुड नॉट अवॉइड नेचर्स लॉ, इस प्रकार से करेक्ट कर लेंगे सेंटेंस को। फिर सेकेंड क्वेश्चन है हेमंत बाबू इज एट डेथ सिज डोर, डबल एस है, एस के बाद फिर एस, तो ये भी इस प्रकार से नहीं लिखा जाएगा, इसको भी डेथ डोर सिंपल डेथ के बाद एपोस्ट्रॉफी और एस करके लिख देंगे, फिर सेंटेंस को करेक्ट हो जाएगा। फिर तीसरा है इंडियाज प्लेयर्स वर डिटरमाइंड टू विन द मैच, तो इसको इस प्रकार से ना लिख के द इंडियन प्लेयर्स वर डिटरमाइंड टू विन द मैच, इस प्रकार से लिखेंगे तो ये ज़्यादा सही रहेगा, तो द इंडियन प्लेयर्स वर डिटरमाइंड टू विन द मैच। अब चौथा है दे हैव टू फिनिश द वर्क इन सेवन
वीक्स टाइम दे हैव टू फिनिश द वर्क इन 7 वीक्स, 7 हफ्तों के टाइम में फिनिश करना है। तो ये प्लूरल में लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं प्लूरल में। तो प्लूरल के लिए क्या वीक है, वीक्स प्लूरल में लिख देते हैं और उसके बाद एपोस्ट्रॉफी लगाते हैं। सिंगुलर के लिए एपोस्ट्रॉफी पहले और प्लूरल के लिए इसके बाद एपोस्ट्रॉफी, ये देखा था पिछले क्लास में। तो ये हो जाएगा 7 वीक्स टाइम, इस प्रकार से हम इसको करेक्ट कर लेंगे। अब है पांचवा क्वेश्चन है, मिस्टर पाठक हैज अप्लाइड फॉर 10 डेज लीव। यहाँ पे भी 10 डेज है, फिर उसके बाद एक एपोस्ट्रॉफी के बाद फिर एस है और लीव। तो यहाँ पे हम ये जो लास्ट का एस है उसको निकाल देंगे, फिर हमारा सेंटेंस सही हो जाएगा। मिस्टर पाठक हैज अप्लाइड फॉर 10 डेज, सिर्फ एपोस्ट्रॉफी के बाद जो एज है इसमें, एपोस्ट्रॉफी के बाद जो एज है उसको हटा देंगे, डेज लिख देंगे सिर्फ, हो जाएगा मिस्टर पाठक हैज अप्लाइड फॉर 10 डेज लीव। अब है छठवा क्वेश्चन है, द टेबल्स हाइट इज 3 फीट। टेबल का हाइट 3 फीट है, तो टेबल तो निर्जीव है, तो इसके लिए ऑफ यूज करेंगे। तो द हाइट ऑफ द टेबल, ऑफ द टेबल हो जाएगा, ऑफ द टेबल इज 3 फीट, 3 फीट, इस प्रकार से आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आज का क्वेश्चन हम इतना ही लेंगे, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।